नमस्कार दोस्तों, जैसा आपने गारमेंट्स का बिजनेस करती है इस तरीके से जो यानी मीटर में यानी कट पीस आपने लगा देता है यानी पीस यानी 1.5 मीटर 2 मीटर 2.5 मीटर, लेकिन आपको जब भी सेल करते वक्त जैसे ये स्कैन बारकोड स्कैन करेंगे उसका कितना मीटर बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी में आना चाहिए उसको कहता है हमने डिफ़ॉल्ट यानी यूनिट सिस्टम। ये किस तरीके से अपना रेंटेड पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में सेट कर सकता है, मेरी ईसीएसट वे में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल यानी आपने इसके लिए आपने दो तरीके से ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट 1x1 और एक्सेल शीट्स का माध्यम से भी आपको प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। 1x1 कैसे ऐड कर सकता है मैंने सिंपल वे में आपको दिखा देता हूँ। आप इसको जाइए देखो, ये प्रोडक्ट्स में जाइए, आपने प्रोडक्ट्स में गया कोई भी एक यानी ये ग्रीन शर्ट पीस और ग्रीन जीन्स पीस, ग्रीन शर्ट, ग्रीन शर्ट पीस करके मैंने यहाँ लिखा और ये जीएसटी है समाधान है, आपको सेलेक्ट कर सकता है और ये जो है आपको जनरल कैटेगरी जो भी आपको डाल सकता है और परचेस प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में परचेस किया है और 150 रुपीज़ में आपको सेल करना है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी यहाँ डालना है। समझ लीजिए आपको ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है 1.8 मीटर का, ठीक है जी। हमने देखो ये सेल प्राइस हमने क्या करेंगे इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपको मतलब कैलकुलेट करने यूज़ी रहेंगे। हमने परचेस किया 70 रुपीज़ में, आपको सेल कर रहा हूँ 100 रुपीज़। ये आपको 100 रुपीज़ इसलिए डाला मैंने सेल प्राइस रिटेल प्राइस, जब भी 1.8 आएगा ना जी ऑटोमेटिकली प्राइस चेंज होते हैं, आपको मतलब ईसीएसट में अंडरस्टैंड हो जाएगा, इसलिए करके डाला है। ये आपको रोल में हो या पीसेस में हो मीटर में हो जो भी है आपको डाल सकता है, यानी मीटर आपको यूनिट आपको बना भी सकता है इसके अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। और रीऑर्डर पॉइंट फॉर एग्जांपल 1 पीस यानी उसको मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो ऑप्शन है दोस्तों, इस तरीके से आपके पास 100 पीसेस है समझ लीजिए, वो भी हमने डाल दिया। इस तरीके से मेरे पास 100 पीस है, ये 100 पीस भी डाल दिया मैंने, या आपको कन्फ्यूज ना हो या 10 पीस लगा दीजिए बस, ज़्यादा नहीं। मेरे पास इसको 10 पीस स्टॉक है यानी इसका सेलिंग प्राइस 100 है, ये ध्यान से रखिए दोस्तों। यानी बेसिकली आपको यानी दो चीज़ इसमें ध्यान रखना है, 100 रुपीज़ है पर मीटर को और ये पर्टिकुलर मीटर का क्वांटिटी है 1.8 मीटर, ठीक है जी। और ये जो बारकोड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आती है यानी जो डिफ़ॉल्ट आती है ये इसको आपने प्रिंट करके भी अपना प्रोडक्ट में चिपका सकता है, और इन केस आपका प्रोडक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कोई बारकोड है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। आपने सीधे इस तरीके से इसको यानी निकाल के यहाँ से डिलीट कर दिया, फिर आपने अपना प्रोडक्ट में जो बारकोड उसको स्कैन करके सेव करिए सिंपल वे, यानी उसको उसके बाद क्या करिए आपने सीधे इसको सेव करिए दोस्तों, आप इसको सेव कर दिए क्लोज कर दिए। इस तरीके से कितना भी प्रोडक्ट आपने ऐड कर सकता है, इनकेस आपको यहाँ से ऐड नहीं करना एक्सेल शीट से ऐड करना तो भी कर सकता है। तो जब भी आपने सेल करती है, सेल करने के टाइम आपको सीधा सीधा क्या करना दोस्तों, आप सीधा जाइए देखो इधर बारकोड है ना जी, इसको सीधा स्कैन करिए। स्कैन करते वक्त देखो इधर 180 रुपीज़ आया हुआ जी टोटल, यानी 100 रुपीज़ से आपको पर केजी का यानी पर मीटर का प्राइस, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट 1.8 आया हुआ, देखिए उस प्राइस में ना 1.8 बाई डिफ़ॉल्ट आ चुका दोस्तों। तो इस तरीके से वेरी ईजीएस्ट वे में आपको मैनेज कर सकते हैं और इसको सेवन प्रिंट करके आपने प्रिंट आउट निकाल सकता है। तो इस तरीके से वेरी ईजीएस्ट वे में आपको मैनेज कर सकता है दोस्तों रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट क्वांटिटी सेटअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।